राधे राधे मन बोले, बोले मनी अमृत रस घोले, कृष्णा ही बेकने बारो। म्यूजिक इज एवरीवेयर इन चेन्नई, इट्स अ प्लेस ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। सो यू गो टू एनी म्यूजिक एकेडमी, नारद गाना, यू गो एनीवेयर यू विल हियर गुड म्यूजिक। Doing very fine. We had a lovely session today and we are very thankful. आपको पता है कि आपने क्या magic किया अंदर? रोंगटे खड़े हो गए, people were clapping and they were saying once again, once again, once again. Awesome, yeah. We had such a nice time and lovely hospitality also by ABP. And it's amazing कि वो you know ये इस kind of summits कर रहे हैं और people will get to see more and more faces in different walks of life. अच्छा, जितना म्यूजिक आपका इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से आप क्रिएट करते हो, उतनी इंटरेस्टिंग आपकी लव स्टोरी भी है, तो मुझे कौन बताना चाहेगा जल्दी से? मिर्च मसाला डाल के बताना, मिर्च मसाला। सो महेश ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और मैंने फॉलो बैक किया, फिर आई वॉज अटेंडिंग वन कॉन्सर्ट इन मुंबई एंड कोइंसिडेंटली ही वॉज ऑल्सो अटेंडिंग द सेम, सो दैट इज हाउ वी मेट, पहली मुलाकात। वो प्रपोज हूँ, I'm little traditional, yeah, that way. Mahesh only asked me. तो आपको क्या लगा था कि while proposing her, कि गाना तो अच्छा, दोनों साथ में काम कर सकते, पहले ही future plan कर लिया था साथ में? You see, in my head I had planned, but we took things very slowly. So we first worked on one song together, and then we became very good friends. और फिर हिस्ट्री। अच्छा, आप लोग जो स्टेज में जिस तरह से म्यूजिक क्रिएट करते हैं, मैजिक क्रिएट करते हैं, उसके पीछे मैं आपके कला के बारे में जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपसे, क्योंकि व्हाट यू वर डूइंग विद योर आईपैड, आई डोंट थिंक सो आई हैव एवर सीन दिस काइंड ऑफ म्यूजिक बिफोर। सो आई प्ले इंडियन म्यूजिक ऑन एन आईपैड एंड देयर दिस इज समथिंग, अ टेक्निक दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर 10 इयर्स एंड इट्स something I enjoy doing and I do it full time. I'm a full time musician, iPad musician. But how you thought of this idea ki yaar aisa bhi ho sakta hai? So I was basically trying to solve a problem where I wanted to play Indian music on a keyboard instrument, par keyboard mein wo gamak wo sab kuch nahi aata hai because there are certain limitations. So I found this app, then I started thinking okay isme ho sakta hai, so I started developing a technique 10 years ago and it's still something that I'm working on continuously. आप एक बार अपने हाथ दिखाना चाहोगे कि आपके हाथ कैसे उस पैड में थिरकते हैं? बहुत मजा आता है ऐसे देखने में, बिकॉज इट सीम्स लाइक फॉर इजी कि आसान होगा, बट आई नो द हार्ड वर्क बिहाइंड इट। कितने साल दिए इस टेक्निक को सीखने के लिए? एक्चुअली द टेक्निक टू बिल्ड, इट्स स्टिल बिल्डिंग, इट्स बीन डूइंग इट सिंस 10 इयर्स, बट आई हैव बीन प्लेइंग पियानो सिंस आई वाज 4 or 5, सो म्यूजिक हैज बीन विद मी सिंस आई वाज अ चाइल्ड, सो इट्स समथिंग My whole life is dedicated to. Can you sing also? Yeah, we've been learning to sing also. यहाँ पे हो जाए थोड़ा सा? हाँ, sure. Yeah, sure. राधे 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 मन बोले, मन में अमृत रस घोले, तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तो साधना, तुझो घूंघट पट खोले, मन में अमृत रस घोले, राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। क्या बात। अच्छा, जब गाना गाते हैं आंखों आंखों में वो इशारा और प्यार का इजहार भी होता रहता है, ये क्या है? ये म्यूजिक, लव फॉर म्यूजिक है, लव फॉर ईच अदर है, ये क्या है? ये एक्चुअली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अच्छा नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो ये वो सीक्रेट कम्युनिकेशन है, ओनली वी नो व्हाट वी आर टेलिंग ईच अदर, ताकि हम सिंक में रह पाए। हाउ योर जर्नी स्टार्टेड? सो बेसिकली मेरे फैमिली तो वायलिन काफ़ी काफ़ी जनरेशन से है, मैं 8th जनरेशन वायलिनिस्ट हूँ और मेरी नानी पद्मभूषण डॉक्टर एन राजम शास्त्रीय संगीत में काफ़ी साल से रही है, मम्मी डॉक्टर संगीता शंकर, और मेरी बड़ी बहन भी बजाती हैं। मेरे फैमिली में ही 12-16
वायलिनिस्ट हैं, तो काफ़ी ईजी था. जैसे बचपन में मम्मी पापा कहते हैं ब्रश के, आपने वायलिन कभी खरीदा नहीं? नहीं मिला. फैमिली में है पूर्वजों से. ऑफकोर्स मैंने इलेक्ट्रिक वायलिन खरीदे हैं, बट जो ट्रेडिशनल अकोस्टिक होता है वो तो मैंने कभी नहीं खरीदा. इंस्ट्रूमेंट में अगर ऐसा है भी ना, जितना पुराना उतना अच्छा तो है. वायलिन तो लाखों करोड़ों में जाता है. या इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू बाई ऑल्सो. लेकिन तो फैमिली में था, तो जैसे मम्मी कहती है ब्रश करो नहाओ, वैसे ही प्रैक्टिस वॉज वन मोर थिंग जो करना ही था. नेगोसिएशन नहीं था, और करते करते आपको भी पता है कोई चीज़ आप कंसिस्टेंटली करो तो कोई एक मकाम पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है. जब तक पहुंच गए तब तक ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे, तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ वेरी ऑटोमेटिकली. एंड आई एम ग्लैड दैट आई रियली एन्जॉय इट एंड फाइंड द ब्यूटी इन इट. अच्छा, आप लोग कई सारे कॉन्सर्ट भी करते हैं, जाते भी हैं, तो व्हाट डू यू लव अबाउट इट? द ऑडियंस, द म्यूजिक, वो एनवायरनमेंट कैसा लगता है, उसका सबसे प्यारी चीज़ आपके लिए क्या है? सो वी द एंटायर एक्सपीरियंस इज ग्रेट, राइट फ्रॉम द टाइम वी गेट आउट ऑफ द हाउस, कैच द फ्लाइट, देन डू अ साउंड चेक, व्हेन एंड व्हेन द ऑडियंस एंजॉयज द कॉन्सर्ट, इट्स जस्ट गिव्स अस ग्रेट हैप्पीनेस. बेसिकली वी फील हैप्पी, राइट, व्हेन वी प्ले अ फ्रेज ब्यूटिफुली. दैट हैपनेस टचेज अस. एंड जब हम देखते हैं कि ऑडियंस में किसी को भी वो सुंदरता या वो हैप्पीनेस छू गया है, दैट इज़ द बेस्ट अचीवमेंट एज अ म्यूजिशियन. एंड ऑल्सो आर लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, वी गेट टू ट्रैवल टू सो मेनी प्लेसेज, मीट सो मेनी न्यू पीपल, न्यू अंडरस्टैंड न्यू कल्चर्स. सो आई रियली एन्जॉय, वी बोथ रियली एन्जॉय दैट. और अभी तक कोई आपका एक होता है ना फैन मोमेंट, जैसे आज मेरा है आप लोग के साथ, आपका कभी किसी म्यूजिशियन सिंगर के साथ फैन मोमेंट हुआ है? आई थिंक होते रहता है ना, क्योंकि आप सुनते हो किसी, यू लिसन टू अ ब्रिलियंट आइडिया और आपके दिमाग में कुछ चमकता है, अरे म्यूजिक इस पर्टिकुलर राग या इस फ्रेज या इस गाने को ऐसे भी सोच सकते हैं, तो इंस्पिरेशन लेते रहते हैं. यू नो नेम योर इंस्पिरेशन? आई थिंक फॉर मी माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज इन माई फैमिली ओनली. Everybody, and one of the biggest inspirations for me is jo app mein bajata hu uska creator, his name is Jordan Rudess. The way he developed it, and that is very inspiring because he started something new, and the way he does things, and I'm very happy I got to collaborate with him as well. अच्छा, मैं चेन्नई में पहली बार आई हूँ, तो ये मेरे को थोड़ा बता दो कि अगर मुझे एक अच्छा खाना, अच्छा म्यूजिक कहीं सुनना हो तो मैं कहाँ जाऊँ? यू से khana, you have dosa, idli, sambar, and everything is good here. I my favorite place here is eating circles. Waha, there is, you get good dosa, idli, and everything there. And if you want to listen to music, you go, music is everywhere in Chennai. It's a place of Carnatic music, so you go to any music academy, Narada Gana, you go anywhere, you'll hear good music. Acha, lastly, aapne bahut logo ke liye gana dedicate kar diya stage par, ABP network le kar diya, mere liye kar diya. Now one song, last song, I think we will dedicate something to the one who has made it all possible. Surely. Krishna ni bekani मारो, कृष्णी बेगनी बारो, बेगने बारो, मुखवन्ना तोरो, बेगने बारो, मुखवन्ना तोरो, कृष्णानी बेगने बारो, बारो, कृष्णानी बेगने बारो. थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू अस.